गरीब बेटियों की शादी में दहेज देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दो भाई गिरफ्तार। रामपुर सहित उत्तराखंड में फर्जी कार्यालय बनाकर गरीबों से लूट चुके थे करोड़ों रुपए। यूपी के रामपुर थाना टांडा क्षेत्र के रहने वाले दो सगे भाइयों ने रामपुर सहित उत्तराखंड के काशीपुर में गरीब लोगों से शादी में दहेज देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के कार्यालय खोलकर करोड़ों रुपए समेटकर फरार हो गए थे, जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर पुलिस ने दोनों ठगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। वहीं रामपुर के केमरी में भी इनके खिलाफ पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सतधाम सेवा समिति कंपनी ने हमसे पैसे लिए, 1,77,000 रुपये जमा करो और आपको हम सामान देंगे, बाइक समेत। तहस का हमारे घर पर शादी आ गई 11 तारीख की, तो यही नहीं सामान साल हो गया। तो शादी का झांसा देके मतलब पैसा ऐंठते थे ये? हाँ, शादी के नाम पे। हाँ, शादी के नाम पे। बोले तुम्हें जो है दहेज मिला है, तो हमने भरवा दिया, मतलब शादी में तो दहेज मिला अगर मैं पैसे जमा कर दूँ तो हमने 70,000 जमा कर दिए। अब हमारे घर पर शादी है 12 तारीख की, तो आप बताओ हम क्या करें, आपको क्या है मेरे पैसे में पैसे दे रहे हैं नहीं दहेज दे रहे हैं, हम क्या करें बताओ। शादी घर पर तो ये वादा करा था कि शादी के टाइम पे दहेज देंगे, गाड़ी वाड़ी सब देंगे। हाँ, गाड़ी। तो कितने लोग होंगे ऐसे जितने ऐसे लोग होंगे 50 ही हैं, 50 लोग हैं। बहुत लोगों ने ठगी करी है। हाँ, अब रिपोर्ट दर्ज करा दिया आपने? हाँ, करा दी। ये काशीपुरी कंपनी थी? हाँ, हाँ, काशीपुरी कंपनी। उनकी बेटी शादी लायक होगी तो तब उनको ये पैसे जो है एक काइंड में इन काइंड किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रूप में दिए जाएंगे। तो इसी जब ये स्कीम जो है काफ़ी देर से चल रही थी और लोगों को लगातार इनके द्वारा सामान दिया जा रहा था, लेकिन स्कीम का जो है सडनली इनके पास पैसे की कमी या अन्य कोई गड़बड़ी होने पर ये स्कीम चालू नहीं रख पाए और जो मानव सेवा संस्थान है वहाँ पर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जो अखबार के माध्यम से ये पुलिस तक भी सूचना पहुँची कि ऐसा कुछ मामला चल रहा है और कुछ लोगों ने थाने पर आकर तहरीर दी। तहरीर के बेस पर थाना ITI में प्रथम रूप से मुकदमा कायम किया गया, उसके बाद मानव सेवा संस्थान के संबंध में जो चौकी भुवनेश्वरी है वहाँ मुकदमा रजिस्टर है। आज जो मेन इनके प्रोप्राइटर हैं जो चलाने वाले संजय धाम के महेंद्र यादव और जो मानव सेवा संस्थान के ओमवीर यादव के पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे विस्तृत पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा कई एजेंटों के माध्यम से ये स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें इनके द्वारा संभवतः काफ़ी लोगों को ऑलरेडी सामान भी दिया गया है, लेकिन अब किसी कारणवश इनके अकाउंट्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं और तकरीबन अभी जो प्राथमिक जांच में 10 करोड़ के आसपास जो है पैसा वो अकाउंट फॉर्म नहीं हो रहा है, वो पैसा कहाँ पर है। इनके द्वारा इस पैसे की कुछ प्रॉपर्टी भी बनाई गई हैं जिनको पुलिस द्वारा सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ अकाउंट्स भी हमारे सामने आए हैं जो 17 के आसपास हैं, उसमें भी 6-7 लाख रुपये पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं और यूपी के भी काफ़ी जिलों से जो है हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा वहाँ पे भी कुछ काउंटर बना के और कुछ एजेंट रख के वहाँ भी पैसे का कलेक्शन किया गया है।